नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं पवित्रा राव केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में 12वीं कक्षा की हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमारा भारत और तरक्की करने के लिए अग्रसर है, इसको कायम रखने के लिए हमारी नई पीढ़ी को और क्या कदम उठाने होंगे? आपके मार्गदर्शन से भारत स्वच्छ तो हुआ ही है, और आने वाली पीढ़ी इसके पर्यावरण संरक्षण में और क्या योगदान दे, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। थैंक यू पवित्रा। मान्यवर, नई दिल्ली से 11वीं कक्षा के छात्र चैतन्य लेले अपने मन में उठने वाले इसी प्रकार के एक अन्य प्रश्न का समाधान चाहते हैं। चैतन्य, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम चैतन्य है। मैं कक्षा 11वीं का डीएवी विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद चैतन्य। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, द यूथ ऑफ इंडिया जस्ट लाइक पवित्रा एंड चैतन्य वांट टू ब्रीथ इन अ क्लीन एंड ग्रीन इंडिया, अ ड्रीम क्लोज टू योर हार्ट। वी ऑल विश टू नो हाउ टू कीप इंडिया एंड आवर एनवायरमेंट pristine and perfect in every sense of the word. We all look forward to your guidance, sir. वैसे ये परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा विषय तो नहीं है, लेकिन जैसे परीक्षा के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे पृथ्वी को भी एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और हम लोग तो पृथ्वी को मां मानने वाले लोग हैं। मैं सबसे पहले तो, आज मुझे अवसर दिया है तो मैं सार्वजनिक रूप से हमारे देश के बच्चों को, बालक बालिकाओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अनुभव करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब 15 अगस्त को लाल किले से भाषण कर रहा था, तो मेरे भाषण के बाद ज्यादातर लोगों ने सवालियां निशान लगा डाले थे कि ठीक है, मोदी जी ने कह तो दिया लेकिन हो सकता है क्या? और उस समय मैंने स्वच्छता की बात कही थी। थोड़ा ये भी अचरज था कि देश का प्रधानमंत्री, ये तो जगह ऐसी है कि वहां स्पेस की बात करनी चाहिए, विदेश नीति की बात करनी चाहिए, सैन्य शक्ति की बात करनी चाहिए, ये आदमी कैसा है स्वच्छता की बात कर रहा है, कईयों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन जो भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी, उन सबको गलत सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया हो, या स्वच्छता के मेरे भावना को चार चांद लगाने का अगर किसी ने काम किया हो, तो वो मेरे देश के बालक बालिकाओं ने किया है। स्वच्छता की इस यात्रा में आज हम जहां भी पहुंचे हैं, अगर उसकी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को देता हूं, तो मेरे देश के बालक बालिकाओं को देता हूं। मैंने ऐसे सैकड़ों प्रसंग सुने हैं जहां 5-5, 6-6 साल के बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी को टोका है दिन में 10 बार कि इधर मत डालो, मोदी जी ने मना किया है, इधर मत फेंको, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी ताकत है। और आप शायद उसी पीढ़ी के होने के कारण आपने भी उसी भावना के साथ सवाल पूछा है। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। ये बात सही है कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एनवायरनमेंट के कारण बहुत परेशान है, और उसका मूल कारण है कि हमने अपने संसाधनों का मिसयूज किया है।
हमारे पास परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसको हमने बर्बाद कर दिया है। अब हमारा दायित्व है, अगर आज मैं पानी पी रहा हूं या मेरा भाग्य में पानी है, आज अगर मैं कहीं नदी देख पा रहा हूं, आज अगर मैं किसी पेड़ की छाया में खड़ा हूं, तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। जिस चीज को आज मैं उपभोग कर रहा हूं वो मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए दिया है, क्या मेरे बाद की पीढ़ी को मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर मैं बचाऊंगा नहीं तो दूंगा क्या? और इसलिए जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया उनका ऋण स्वीकार करने के लिए और हमारी आगे की पीढ़ी को देने के लिए जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हमने अपना दायित्व निभाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब ये कोई सरकारी कार्यक्रम से सफल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक इससे बचना चाहिए, लेकिन हमारे ही परिवार में भाषण भी हम करते हो सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, लेकिन शादी का कार्ड अगर हम किसी ना का आता है घर में देखते हैं तो उस पर एक प्लास्टिक का बहुत सुंदर रैपर करके आता है, हम निकाल करके फेंक देते हैं। अब ये हम जो सोचते हैं उसके विपरीत है, तो सहज स्वभाव कैसे बने? कम से कम मेरे परिवार में मैं सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल हमारे घर में उपयोग नहीं करने दूंगा, तो हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कुछ मदद कर रहे हैं। और अगर देश के सभी बच्चे इस काम को करने लग जाएं, तो फिर आज जो हमारे आपने देखा होगा, मैं गुजरात में पशु आरोग्य मेले लगा रहा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और पशु आरोग्य मेले लगाता तो आपको हैरानी होगी, मैं गुजरात के अंदर पशुओं की दांत की ट्रीटमेंट डेंचर ट्रीटमेंट करवाता था, पशुओं को मोतीबिंदु होता है मोतीबिंदु का काम करता था, और कुछ पशुओं के ऑपरेशन करने पड़ते थे। तो मैं एक बार एक गाय देखा, उसके पेट से कम 40 केजी प्लास्टिक निकला था। अब ये मानवता के विरुद्ध का काम है। अगर ये हमारे अंदर संवेदना पैदा होती है कि मैं, मुझे तो अच्छा लगता है चलो हल्की फुल्की थैली है लेकर के जाना अच्छा लगता है और फिर फेंक देता हूं, हमें अब यूज एंड थ्रो उस कल्चर से बचना पड़ेगा और हमें रीयूज रीसाइकल। और ये भारत में कोई नया पर नहीं है, ये हमारे यहां तो सदियों से परिवार में आदत रही हुई है। हम जितना ज्यादा संसाधनों का उपयोग करेंगे हम पर्यावरण को बर्बाद करेंगे, हम जितने संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे हम पर्यावरण की रक्षा। अब आज देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये भी पर्यावरण के लिए एक संकट बनते जा रहे हैं। आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी स्क्रैप पॉलिसी निकाली हुई है ताकि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो प्रदूषण पैदा करती है उनको खत्म करो, उसमें से भी कुछ कमाई करो और नई गाड़ी लाओ। उस दिशा में एक बहुत बड़ी मात्रा में काम चलने वाला है। उसी प्रकार से हम जानते हैं पानी का क्या महत्व है, पौधे का क्या महत्व है, प्रकृति का क्या महत्व है, हम उसके प्रति सेंसिटिव है क्या? और ये सहज स्वभाव बनाना चाहिए। अगर ये स्वभाव बनना है, आपने देखा होगा COP 26 में मैंने एक विषय रखा था, यूके में कॉन्फ्रेंस हुई थी दुनिया की, और मैंने कहा था उसमें कि लाइफ स्टाइल इज अ प्रॉब्लम, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, और इसलिए कहा एक मिशन लाइफ की आवश्यकता है। और मैंने मिशन लाइफ के लिए वहां शब्द तय किया था कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ LIFE। मैं समझता हूं कि हम भी अपने जीवन में, बहुत छोटी आयु है, 4 मंजिला मकान है,
और हम भी लिफ्ट में जाते हैं, अरे हम कोशिश करें हम चढ़ जाएंगे, क्या है, तो हमारा हेल्थ भी को भी फायदा होगा, हम एनवायरमेंट को मदद करेंगे, छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में लाएंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि हमें दुनिया में P3 मूवमेंट चलाने की जरूरत है, प्रो प्लेनेट पीपल, प्रो प्लेनेट पीपल, ये P3 मूवमेंट, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और कॉन्शियस रहकर के इसको प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम चीजों को लाभ करेंगे। दूसरा, हम आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल, आज की जो पीढ़ी है वो अपने जीवन की सबसे सफल पलों से गुजरती होगी तब देश शताब्दी मनाता होगा, मतलब ये 25 साल आपकी जिंदगी का है, आपके लिए है, आपका योगदान इस 25 साल में क्या हो ताकि हमारा देश उस जगह पे पहुंचे, हम गर्व के साथ देश की शताब्दी आन बान शान के साथ दुनिया के सामने एक चेहरा ऊंचा रख करके मना सके, हमने अपने जीवन को उससे जोड़ना है। और उसका एक सिंपल सा मार्ग है, कर्तव्य पर बल देना। अगर मैं मेरे कर्तव्यों का पालन करता हूं, मतलब कि मैं किसी के अधिकार की रक्षा करता हूं, फिर कभी उसको अधिकार के लिए मांग करने के लिए निकलना ही नहीं पड़ेगा। आज समस्या यह है कि हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए अधिकार के लिए उसको लड़ना पड़ता है। हमारे देश में किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना न पड़े, ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का उपाय भी हमारा कर्तव्यों का पालन है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते हैं, हमारे लिए जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरा करते हैं। अब देखिए, हमारे देश ने, पूरे दुनिया के लोग हमारे यहां तो इन चीजों की चर्चा करते हैं तो लोगों को डर लगता है कहीं मोदी के खाते में हो जाएगा, मोदी का जय जयकार हो जाएगा, इसलिए जरा संकोच करते हैं इसका जय जयकार करने में। लेकिन जो हमारे यहां वैक्सीनेशन हुआ है, उसमें भी जब मैंने स्कूली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया और जिस तेजी से हमारे देश में बच्चों ने दौड़ दौड़ करके वैक्सीन ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। आप सबका वैक्सीनेशन हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, सबका वैक्सीनेशन हो गया है? अगर दुनिया के किसी देश में ऐसे सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है, हिंदुस्तान के बच्चों ने भी ये करके दिखाया है, मतलब कि हमने अपना कर्तव्य का पालन किया। ये कर्तव्य का पालन भारत की आन बान शान बढ़ाने का कारण बन गया है। उसी प्रकार से हमारे देश को आगे बढ़ाना हो, प्रकृति की रक्षा करनी हो, पर्यावरण की रक्षा करनी हो, तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम अपने कर्तव्य को सजगता रूपक अगर लगाएंगे, काम करेंगे, तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।